आज के समय में जहां लोगों को लॉजिक और साइंस पर भरोसा होना चाहिए, वहां ढोंगी बाबाओं का बोलबाला है। ये बाबा अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं और लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। ये लोग खुद को भगवान का दूत बताते हैं और लोगों के बिलीफ का गलत फायदा उठाते हैं। वे अपने अनुयायियों को अंधविश्वास और झूठे वादों में फंसाकर उनका शोषण करते हैं। ये ढोंगी बाबा अक्सर मैजिक दिखाने का दावा करते हैं और लोगों को लुभावने प्रॉमिसेस करते हैं। वे चमत्कार दिखाने का नाटक करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। बीमारियों से छुटकारा, धन की प्राप्ति और स्वर्ग की यात्रा जैसे वादों से वे भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। वे लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये ढोंगी बाबा सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वे लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते हैं और उन्हें अंधकार में रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना और अपनी पावर बढ़ाना होता है। वे अपने अनुयायियों को गुलाम बनाकर रखते हैं और उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। भारत एक रिलीजियस देश है जहां लोगों की आस्था धर्म और आध्यात्म में गहरी होती है, लेकिन यही आस्था कई बार अंधविश्वास का रूप ले लेती है। ढोंगी बाबा इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। वे लोगों को डराते हैं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और अपनी बातों में फंसा लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्ची आस्था अंधविश्वास से अलग होती है। हमें अपने लॉजिक और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ढोंगी बाबाओं के काले कारनामे उजागर हुए हैं। ये बाबाओं ने अपने अनुयायियों को धोखा देकर उनके विश्वास का गलत फायदा उठाया है। मर्डर, बलात्कार, धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। इन अपराधों ने समाज को हिलाकर रख दिया है और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इन घटनाओं ने लोगों के सामने इन ढोंगी बाबाओं का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। ये बाबाओं ने अपने पाखंड से लोगों को गुमराह किया है और उनके जीवन को बर्बाद किया है। ये साफ हो गया है कि ये लोग समाज के लिए खतरा हैं और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। समाज को इनसे बचाने के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, अगर वो क्राइम करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। न्याय की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होता और अपराधियों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। शिक्षा, अंधेरे से उजाले की ओर। ढोंगी बाबाओं के चंगुल से बचने का सबसे कारगर तरीका है शिक्षा। शिक्षा हमें समझदार बनाती है, हमें सही और गलत में फर्क समझने की ताकत देती है। जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हम किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। हम उसके पीछे का कारण ढूंढते हैं, उसके सबूत मांगते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वह लोगों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए। लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें समझदार बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कानून का शिकंजा और जागरूकता की जरूरत। यह विषय आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। ढोंगी बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे कानून प्रभावी रूप से लागू हो। पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि लोग इन धोखेबाजों से बच सकें। उन्हें चाहिए कि वे किसी भी बाबा के बहकावे में ना आए और न ही किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाएं। अंधविश्वास से बचना और सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। हमें खुद ही सतर्क रहना होगा और ढोंगी बाबाओं से खुद को और अपने परिवार को बचाना होगा। सतर्कता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी आस्था की रक्षा खुद करें। आस्था व्यक्तिगत होती है और इसे निभाने का तरीका भी व्यक्तिगत होता है। हमें यह समझना होगा कि सच्ची आस्था
दिखावे की मोहताज नहीं होती। यह हमारे कर्मों में दिखाई देती है। हमें किसी भी ढोंगी बाबा के बहकावे में आकर अपनी आस्था को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आस्था की रक्षा खुद करनी होगी और अंधविश्वास के अंधेरे से दूर रहना होगा। याद रखें, सच्ची आस्था हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है।